हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने पूरे करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया, तो फेसबुक ग्रुप भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान को शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और पंजाब नेशनल बैंक के इस अभियान का शुभारम्भ प्रेजेंट टाइम के हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किए हैं। और इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह NSS-11 को लॉन्च किया है। तो अभी स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के पहले उपग्रह NSS-11 को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बात आती है स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 को हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया USA में है। और उसके प्रेजेंट टाइम पे CEO और संस्थापक एलन मस्क हैं। कौन है? एलन मस्क। अब यहाँ पर बात साउथ कोरिया की भी हुई है, तो मैप में देखते हैं साउथ कोरिया को। यह है मैप में साउथ कोरिया, जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। यह है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। क्या है? सियोल है। और साउथ कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन ओन है। क्या है? साउथ कोरियन ओन है। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन है। कौन है? मून जे इन है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन का क्या नाम है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है 38 पैरेलल। क्या है? 38 पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जनता अधिकरण दिवस कब मनाया गया। तो अभी 22 जुलाई को झंडा अधिकरण दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। झंडा अधिकरण दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो 22 जुलाई 1947 को ही हमारा जो भारतीय झंडा है इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में चुना गया था, इसलिए 22 जुलाई को हर साल झंडा अधिकरण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB Kripalani थे। कौन थे? JB Kripalani। और अदर ऑप्शन के डिस्कस करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है और 22 जुलाई को झंडा अधिकरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलकोस की तरह अग्रसर हो रही हैं। तो अभी अमेरिका ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलकोस की तरह अग्रसर हो रही हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात अमेरिका की हुई है यहाँ पे, तो मैप में देखते हैं अमेरिका को। यह मैप में अमेरिका जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। अमेरिका अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में स्थित है और अमेरिका की कैपिटल Washington DC है। क्या है? Washington DC है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि Washington DC में DC की फुल फॉर्म क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया। और अमेरिका की करेंसी डॉलर है और अमेरिका के प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप हैं। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। और अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। और अमेरिका ने अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सभी उड़ानों पर बैन लगा दिया है। और भारत और अमेरिका के बीच एक एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम क्या है? तो भारत और अमेरिका के बीच पास एक्स एक्सरसाइज हुई है। क्या है? पास एक्स एक्सरसाइज हुई है। और ये कहाँ हुआ है? तो ये हिंद महासागर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने किसान मित्र योजना शुरू किया है। तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने किसान मित्र योजना शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है?
तो इस योजना का उद्देश्य है राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की थी, उसका नाम है गोधन न्याय योजना। क्या नाम है? गोधन न्याय योजना। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू की थी। अब बात यहाँ पर हरियाणा की हुई थी, तो मैप में देखते हैं हरियाणा को। ये है मैप में हरियाणा, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर है, और हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या है। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। और हरियाणा के चीफ जस्टिस रविशंकर झा है। कौन है? रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार जीता है? तो अभी ग्रेटा थनबर्ग ने मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ग्रेटा थनबर्ग, ये स्वीडन की मात्र 17 साल की हैं और इन्होंने गुलबेंकियन पुरस्कार जीता है, और इस अवार्ड का ये पहला संस्करण है। और इस अवार्ड में इन्हें 1 मिलियन यूरो पुरस्कार की राशि मिली है, और पुरस्कार में मिली सभी राशि को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं उन्हें ये डोनेट कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो अभी ICC T20 वर्ल्ड कप ये अक्टूबर नवंबर 2020 में होने वाला था, जो कि COVID-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है 2022 तक के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर ICC की हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 को हुई थी। कब हुई थी? 1909 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर दुबई में है। कहाँ है? दुबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO मनु साहनी है। कौन है? मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? तो अभी सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब बात इंडोनेशिया की हुई है, तो मैप में देखते हैं इंडोनेशिया। यह है मैप में इंडोनेशिया, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता थी, पर इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल रख ली है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ईस्ट कालीमंतर। क्या है? ईस्ट कालीमंतर। ये बोर्नियो आइलैंड पे है। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं। कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है? तो अभी भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो अभी टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक मैरी ली ट्रम्प है। कौन है? मैरी ली ट्रम्प। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी सऊदी अरेबिया ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इस बार के G20 समिट का आयोजन सऊदी अरब में ही होगा, जो 2020 में होने वाला था। और 2021 के G20 समिट का आयोजन इटली में होगा, और 2022 के G20 समिट का आयोजन अपने देश इंडिया में होगा। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। अब बात सऊदी अरबिया की हुई है, तो मैप में देखते हैं सऊदी अरब। यह है मैप में सऊदी अरब, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, और सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है, और सऊदी अरब के किंग सलमान ऑफ सऊदी अरबिया है। कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया गया है? तो अभी भारत और मालदीव के बीच आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
अब बात यहाँ पर मालदीव की हुई है, तो मैप में देखते हैं मालदीव, ये है मैप में मालदीव और ये है अपना इंडिया। बात हम यहाँ पर मालदीव की करते हैं, तो मालदीव की कैपिटल क्या है, तो मालदीव की कैपिटल है माले, और मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया है, क्या है, मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोहेल है, कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।